हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जी, मैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ जो है वो हाज़िर हूँ। और ये मैंने जो आई मेकअप जो मैंने मेक किया है, एक कॉफ़ी आई मेकअप है। आई होप कि ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको लाजमी पसंद आएगा। अच्छा, ये मैंने जो मेकअप है वो फुल फेस ट्यूटोरियल मेक किया है, ठीक है। बहुत ही इजी मेकअप है, इतना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये कोई भी आसानी से कर सकता है। अच्छा, इसमें जो मैंने शेड यूज़ की है वो मैं आपको आई शेडो पैलेट में दिखाऊंगी, लाजमी शो करूंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत आई मेकअप लग रहा है। इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो शाइनी लुक दिया है। ये कॉफ़ी आई मेकअप है जो आजकल ट्रेंडिंग में, लेट मेकअप ट्यूटोरियल जो आजकल चल रहे हैं, तो मैंने भी सेम वही मेक करने की कोशिश की है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई ये वाला मेकअप करने में। तो जी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातें करने में, टप 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 मेकअप शुरू करेंगे अपना। और मेकअप शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसमें जो है वो कोई भी कट क्रीज़ जो है वो यूज़ नहीं किया है। बहुत ही प्यारा सॉफ्ट मेकअप लुक किया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। मैंने एज अ प्राइमर जो है अपने फेस पर ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, काफ़ी मतलब लंबी हो जाती है, तो मैंने अपने फेस को मेक किया हुआ था। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी आई बेस पर। आई बेस जो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप। सो सबसे पहले जो है वो मैं क्रायलन की टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 यूज़ कर रही हूँ, जो मैं एज़ यूजल ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपनी आई की बेस को मेक करने के लिए। और उसको मैंने अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर देना है। देन इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट आई पर, और उसको भी इसी तरह से ब्लेंड करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो फिंगर से भी इसको टैप करके ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा ज़्यादा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। फिर ये मैंने थोड़ा सा फेस पाउडर लिया है, ये भी जो है नंबर जो है थोड़ा डार्क है, मतलब 36 शेड से मिलता जुलता है, इसलिए मैं इसको अपनी आई बेस को मेक करने के लिए इसको टैप करके यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरी आई बेस जो है वो अच्छी तरह से मेक हो जाए अपनी आई मेकअप के लिए। देन हमारा आई मेकअप स्टार्ट होता है। अब हम आ जाते हैं अपने आईब्रो को नीट करने की तरफ। आईब्रो नीट करने के लिए मैंने सबसे पहले जो वो डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर की जो पेंसिल है वो ली है, ब्राउन यूज़ किया है, और मैं ब्रश से उसको नीट किया है। देन इसके बाद हम आई शेडो पैलेट में आ जाते हैं। ये मॉर्फे की पैलेट है। अच्छा, मेरा दिल तो चाह रहा था ब्लू करने का, बट मैंने सोचा नो, आज का मेकअप थोड़ा ट्रेंडिंग है तो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। देन इसमें से मैंने ये मैट शेड लिया है, ये पीची ब्राउन कलर है, और इसको मैं जो है ब्रश से अपनी क्रीज पर मेक कर रही हूँ। ये देखें, आपको दिख रहा होगा किस तरह से मैंने जो है वो अपने आई को ट्यूटोरियल मेक कर रही हूँ। अच्छा, ये इस तरह से आपको ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड है वो अप्लाई करना है। इसी पैलेट में से मैंने लिया है अपनी दूसरी सेकेंड आई पर, और सेकेंड आई पर लेने के बाद फिर हम उसको चॉकलेट ब्राउन कलर से लेंगे, जो डार्क वाला डीप कलर है, उससे उसके बाद इस पीच वाले कलर को मैट करेंगे। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये मैंने थर्ड शेड अप्लाई कर रही हूँ अपनी आई पर। ये आपको पैलेट में नज़र आ रहे होंगे कि मैंने कौन कौन से, वैसे भी शेड देख के पता चल जाता है कि कौन से शेड्स यूज़ किए हैं। देन उसके बाद जो है सेकंड आई पर हमें करना है। सेकंड आई पर करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा और डार्क लुक देना है, तो उसमें हम थोड़ा सा ब्लैक शामिल करेंगे। ब्लैक आई शेडो के बाद हमारी जो है वो कॉर्नर लाइन जो है वो कम्प्लीट हो गई है, स्मोकी वाली जो होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा आई शेडो शेड है, मैट फॉर्म में है, ये मैंने फिंगर से लिया है। फिंगर से लेने के बाद से इनर कॉर्नर से अपनी आई बॉल पर ब्लेंड करना है, और इस तरह से कि आपका जो लास्ट वाला जो शेड है कॉर्नर का ब्लैक ब्राउन मर्ज करके उसके साथ ये मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डार्क ब्राउन शेड लेंगे, पीची ब्राउन एंड ब्लैक कलर। ये हम लेने के बाद तीनों शेड को मिक्स करके अपनी वाटर लाइन को ब्लेंड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ब्लैक कलर जो थोड़ा डार्क होना चाहिए। उसके बाद इसी आई शेडो पैलेट में से थोड़ा सा मैंने जो शाइनी वाला शेड था, पीची कलर था, वो मैंने हल्के से फिंगर से टैप किया था। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइनर पर। अच्छा, लाइनर जो है मैं ये वो वाला जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये पेन लाइनर नहीं, पेन लाइनर से मैंने ब्रश यूज़ किया है। देन इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और मैं वैसे भी ज़्यादा तो जो है वो जेल लाइनर यूज़ करती हूँ। जेल लाइनर यूज़ करने के बाद आपको अपने जो फेस है, सॉरी आइज़ हैं, उनके ऊपर जो है अपनी आई लैशेस को लगा लेना है। तो मैंने भी अपनी आई लैशेस कम्प्लीट कर ली हैं एंड लाइनर। देन हम आ जाते हैं अपनी बेस पर।
बेस मैंने लगा ली अपने फेस पर अकॉर्डिंग टू माय कॉम्प्लेक्शन, देन फेस बॉर्डर से इसको टैप करके फिक्स कर लेना है। अब आ जाना है वंडर आई कंसीलर पर। ये फिट मी का मैं एज अ यूजुअल जो कंसीलर यूज़ करती हूँ वही वाला कंसीलर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको लूज़ बॉर्डर से फिक्स कर लिया है। देन हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पर। ये मेरे पास जो है फाइनल टच ही ब्लश एंड किट, इसमें मैट शेड है सारे न्यूट कलर, और इसे मैं अपनी चीक बोन पर अप्लाई कर रही हूँ। ये एज अ कॉन्टोर भी काम करता है और एज अ ब्लश भी। तो आज का तो मेकअप है थोड़ा सा न्यूड स्टाइल में है, तो इसलिए जो मैंने ये वाला ब्लश यूज़ किया, मुझे पर्सनली ब्लश जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। देन हम उसके बाद आ जाते हैं अपनी जॉ लाइन पर। अच्छा, जॉ लाइन को भी थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है इसी शेड से, इसमें थोड़ा सा पिंकी न्यूड शेड है वही वाला मैंने लिया है जो आई शेडो सॉरी आपको ब्लश एंड पैलेट में जो है नज़र आ रहा था। तो इस पैलेट के जो शेड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और पिगमेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत अच्छे हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मस्कारा की तरफ। मस्कारा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलैशेस पर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे अपने लिपस्टिक पर। अच्छा, लिपस्टिक का जो ये शेड है ये मैट शेड है पर ये ग्लॉसी में है, सो ग्लॉसी कलर ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपको अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेना है अगर आपके पास ये शेड मौजूद है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लाइट ब्राउन या कोई भी मतलब जो कॉफ़ी कलर जो होता है उस तरह का भी शेड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्लॉस होने के बावजूद भी इसके ऊपर मैंने स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो ग्लॉस अप्लाई किया है ये देखे, ताकि मेरे जो लिपस्टिक का कलर वो और शाइन हो सके। सो फाइनली हमारा मेकअप जो है वो डन हो चुका है। ये देखे कितना खूबसूरत मैंने आई मेकअप आज मेक किया है, काफ़ी डिफरेंट है, और ये एज़ अ कैजुअल मेकअप, एवरीडे मेकअप एंड पार्टी मेकअप और हॉलीडे मेकअप एंड कॉफ़ी मेकअप एंड ब्रॉन्ज मेकअप, ये सब पर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रेस ये स्मोकी आई मेकअप भी हो सकता है, अगर किसी को जैसे बहुत स्मॉल जो है वो छोटा सा मतलब स्मोकी आई मेकअप जो पसंद होता है, मतलब जो लोग ज़्यादा ब्लैक शेड लगाना जो है वो डार्क पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी ये मेकअप बेस्ट है। और मैंने पूरा डिटेल में आपको मेक करके दिखाया है ट्यूटोरियल कि मैंने किस तरह से अपना आईज़ के ऊपर मेकअप किया है, बहुत ही सॉफ्ट लुक है और आई थिंक ये मुझे तो थोड़ा सा कॉफ़ी शेड दे रहा है। तो ये मेकअप आप लोगों को ट्यूटोरियल कैसा लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया? अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और जो है यूट्यूबर की रिक्वेस्ट होती है कि अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी किसी न्यू टॉपिक पर आप लोग मेकअप ट्यूटोरियल या मेकअप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट से बता सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मेकअप की अपनी स्टोरीज़ और पोस्ट जो है वो शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जब तक